आज भारत के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, भारतवासियों के लिए बहुत बुरी खबर है, जिसकी वजह से पूरा देश सदमे में है। पूरी भारतीय फौज शोक मना रही है और पूरा जो हमारा कैबिनेट मंत्री संतरी सब सदमे में। इसकी वजह यह है कि आज जो है हमारे फौज के जो प्रमुख, जो हमारे देश की नाक मानी जाती थी, एक बहुत ही सेंसियर और बहुत ही टैलेंट अधिकारी जो फौज के प्रमुख थे बिपिन रावत साहब, अपनी अहलिया के साथ मतलब अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में इनका जो हेलीकॉप्टर है कुछ खराबी आ जाने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसकी वजह से इनके जो है तमिलनाडु के कन्नूर में यह हादसा पेश आया और वहां पर इनका हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बिपिन रावत साहब के साथ और हमारे 11 जवान भी शहीद हुए हैं, मतलब इनको साथ मिलाकर टोटल 13 लोगों की इसमें शहादत हुई है और एक व्यक्ति को उसमें से बचा लिया गया है। तो ये आज बोले तो आप आगे वीडियो में देखिए कि हादसा कितना जबरदस्त था, कितना बुरा हादसा था, जिसकी वजह से आज बोले तो हर भारतीयों की आंखों में आंसू है, हमारी आंखें नम है। हम ऐसे अधिकारी जो अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा पे लगा दी है, हम ऐसे अधिकारी को सल्यूट करते हैं। आप आगे वीडियो देखिए बिपिन रावत साहब का किस तरह हादसा हुआ। உடம்பு பாருங்க.